लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अपने हाथ पार कर रहे हो तुम दादी। गुंडू सरदार, मसला ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। अरे होने वाली कौन सी बात है? ये बदतमीजी की क्या बात है, ये मेरा टीवी देखने का टाइम है। अभी मैं देख रही हूँ ना। देख रही थी पर अब मैं देख रही हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज की भला इसमें क्या बात है, जाओ अपना काम करो। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, ये मेरे अदा का घर है, वो मेरा शोहर है। वो तुम्हारा शोहर तो अभी थोड़े से अरसे में हुआ है, मेरा तो अदा है वो काफी सालों थे। देखो देख तो रही हूँ टीवी, जाओ अपना काम करो बाबा। तुम लोग तुम्हारा कुछ काम करा के रहूंगी। आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरा मूड? वही अजाब, मेरी नन, उसी की वजह से मेरा मूड खराब है। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना वाकई में, तो तुम प्लीज किसी भी तरह उसकी कहीं अच्छी जगह शादी करवा दो। वैसे मेरे एक कजन है डॉक्टर खालिद, अभी अमेरिका से लड़की देखनी है, बोलो तो उनको भेज दूं। क्या डॉक्टर? और उस वाकई मरीजा के लिए? अब भाई किस्मत किस्मत की बात है, तुम्हारी नहीं चल सकी, हो सकता है उसकी चल जाए। मेरा मतलब तुम्हें क्या, तुम्हारे सर से तो अजाब टलेगा। हाँ सही कह रही, तो फिर आज ही उनको भेज देती हूँ तुम्हारे घर। लेकिन क्या? लेकिन यार वो अमेरिका से आए हैं और डॉक्टर भी हैं तुम्हारे शोर, आई एम सो सॉरी कि वो बहुत देसी हैं, तो कोई मसला तो नहीं होगा? ठीक है मैंने सोच लिया, तुम बस एक काम करना, उन्हें ना मेरे शोर की कोई तफसीलात देना ही नहीं, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी जब वो आएंगे, ठीक है ना? और वैसे कोई तस्वीर है उनकी तुम्हारे पास? घर जाके पिक्चर भेज दूंगी, फोन में है ना। अच्छा ठीक है, मगर फिर याद से मुझे जाते तस्वीर भेज जरूर देना, सही है? हाँ भेज दूंगी, मुझे लेट हो रहा है, फिर आऊंगी। अच्छा जा रही हो? हाँ हाँ भेज दूंगी, नहीं भेज दूंगी, पक्का भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे बाबा क्या बातें हो रही थी अपनी दोस्त से, दुपट्टे की पीकों की। बाबा ये क्या होता है, जब नहीं मालूम तो क्यों घुसते औरतों की बातों में? अच्छा बाबा माफ कर दो, माफी दे दो बाबा, माफी दे दो। वो मेरी दोस्त है ना, उसका एक कजन आया हुआ यहाँ पे अपना रिश्ता ढूंढने के। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो सरीना के रिश्ते की बात करें हम तो। बाबा क्यों नहीं, मेरी बहन में अकल की कमी के अलावा और किस चीज की कमी है बाबा? फिलहाल तो आप में कमी है। अरे बाबा मेरे में किस चीज की कमी है बाबा, और उसने कौन सा मुझसे शादी करनी है? नहीं वो ना अब जो लड़का है ना वो अमेरिका में डॉक्टर है, सोचिए उसके सामने कम से कम आपको भी डॉक्टर तो लगना चाहिए। अरे बाबा क्या बात करता है, क्या हो गया? अरे बाबा मैं अनपढ़ गवार आदमी, मैं कहाँ से डॉक्टर लगूंगा? हाँ लगूंगा तो जानवरों का डॉक्टर जरूर लगूंगा। ठीक है क्या हुआ बाबा? आप बस उसको बोल देंगे कि आप जानवरों के डॉक्टर हैं। जानवरों का? जाहिर है आप किसी भी डॉक्टर को भैंस के बारे में इतना कहाँ पता होगा जितना आपको पता है कि नहीं? बाबा ये बात तो है। अच्छा बाबा तो अच्छा आप डॉक्टर हाँ, जानवरों के भैंसों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अच्छा बाबा आप कहती हैं तो ठीक है। हाँ हाँ मान ले बाकी ये डॉक्टर का कोट और ये सारा ये मैं जानी से कहती हूँ, मैं संभाल लूंगी। ओके ओके ठीक है बाबा ठीक है। हाँ 1000 आपके और 500 आपके भाई के, कल पहुंच जाएंगे गार्डन। ठीक है सुबह सुबह इंशाल्लाह। ओके ठीक है मैं लिख देता। जानी जानी बात सुनो, अभी तो मैं बहुत मसरूफ चल रहा हूँ। ओहो मेरी बात ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या काम है? बच्चू जो है ना <स्थ
हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बच्चू भाई और वो भी डॉक्टर, कमाल है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम उसको जानवरों का डॉक्टर बना रहे हैं। अच्छा ये तो सही है, ये तो फिर घर वाली बात हुई ना। तो एक काम करो ना, वो आने वाले होंगे, तुम बस बाहर जाओ नहीं ले आओ। मैं उनको पहचानूंगा कैसे? और इसमें क्या मुश्किल है, डॉक्टर है भाई। अरे भाई कोई डॉक्टर है, रोड पे सर्जरी थोड़ी कर रहे होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा उनको। मेरा मतलब है कि शुमायरा ने कहा वो तस्वीर भेज दी है थोड़ी देर में, तुम जाओ देखो और वो कोट तो पहना हुआ होगा ना डॉक्टर वाला, पहचान जाओगे। जाओ जाओ। अच्छा चले मैं देखता हूँ। ओहो ये छोड़ दो ना तुम, जाओ। अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब मैंने कह दिया आपका माल मैं उठा लूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। लेकिन आपने खराब माल दिया ही क्यों? ओहो आपको पता तो है कितनी गर्मी है, कंटेनर धूप के खराब हो जाते हैं। ठीक है आइंदा से ख्याल रखना। बेफिक्र हो जा, बेफिक्र हो जा। ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने माल नहीं उठवाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा गर्म में आ रहा है यार ये तो। चलो गूगल मैप तो यही बता रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ, थोड़ा सा आगे देखता हूं बताता हूं। यार एक दिहाड़ी ऐसी लगानी है कि कुछ महीने इज्जत से गुजर जाएं, मिल जाए कोई बस। अरे ये पता बताओगे क्या? अरे ये पता तो ये तो ये आए ना आपको पता बताता हूँ मैं। आ जाए आ जाए। डॉक्टर साहब आप? कौन? मैं? हाँ हाँ मैं। अरे तो बाहर क्यों खड़े, अंदर है? अंदर आ जाऊं? सीमा मैडम के मेहमान हमारी सर आंखों पे, आइए अंदर चले आइए। सीमा मैडम? हाँ हाँ चलो चलो अंदर चलो। आइए डॉक्टर साहब, आइए तशरीफ़। मैं अभी आया। लगता है यहाँ से काफी सारा माल मिल जाएगा, बस होशियारी से काम लेना पड़ेगा। यार दवाई अच्छी दी उसने, बस 10 घंटे बेहोश रहे वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खालिद भाई? कौन खालिद? आप और कौन? हाँ मैं खालिद, मैं खालिद। आप कौन है? मैं आपकी कजन सीमा। सीमा सीमा सीमा, हाँ बिल्कुल। सीमा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुमायरा ने बताया कि इस दफा आप लड़की देखने के लिए पाकिस्तान आए हैं। लोग अमेरिका में लड़कियाँ देखने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान लड़की देखने आ रहे हैं, कमाल। ओहो जानी तुम्हें पता नहीं है, पाकिस्तानी मर्द दुनिया के किसी कोने में रहता है, शादी उसे पाकिस्तानी लड़की से करनी होती है। क्यों खालिद भाई? अरे मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी है, पर मुझे सिर्फ मशरकी लड़की पसंद है। अब आप खुद को ही देख लें, अपने शोहर से कितना प्यार करती हैं कि उनको जानी जानी कह के पुकार रही हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा मैनेजर है। किस्मत किस्मत की बात है। अब तुम जाओ खाने के लिए कुछ लेके आओगे, जाओ। अच्छा आपके असली जानी, मेरा मतलब है आपके शोहर कहाँ हैं? वो असल में डॉक्टर है ना, तो आने वाले होंगे बस। हैं? अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपको तो आज पूरा दिन गुजारना है हमारे साथ। पूरा दिन तो, लेकिन मेरे पास तो बस 10 घंटे हैं। क्यों मरने वाले हैं आप? अरे भाई मरीज उठ जाएगा, बेहोशी का टीका देके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, मतलब पाकिस्तान आके भी आपने लोगों की खिदमत करनी नहीं छोड़ी है। बस क्या करें, यही काम है हमारा, कभी इसको टीका कभी उसको टीका। खैर अब आज तो वो हमने आपको एक लड़की से मिलवाना भी है ना इसी सिलसिले में हैं। अच्छा परवेज बेटा ऐसा ना हो कि तुझसे भी बड़े चीटर निकले, तुझे ही ना लूट लें। क्या लूट लें? अरे मेरा मतलब है पाकिस्तान आए हैं तो लोगों की दुआएं लूट लें, दुआएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और आप जितनी खिदमत करते हैं बहुत दुआएं मिलेंगी। अभी मैंने जानी को खाने वाने का कहा, आप खाना खाएं आराम से, आप भी तो पता नहीं आते यहाँ पे भी लोगों को टीके लगा के बेहोश कर रहे हैं, अल्लाह पता नहीं कैसे है। खट्टा मीठा खट्टा मीठा।
बाबा साईं मुझे बहुत याद आ रहे। बच्चू 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 वो खालिद भाई आ गए, खालिद भाई आ गए। अरे बाबा मेरी शादी करानी है, मेरा भाई बनाना है उसको। ओ ओ मेरे खालिद भाई, मेरे तुम्हारे नहीं। बाबा मुझे जाना है क्या? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे बाबा वो डॉक्टर बन के जाना है ना, तो परेशानी हो रही है। अदा खुदा का वास्ता है, मेरी बात ना बिगाड़ देना। और तुम ना बिला वजह में मत बोलना प्लीज, कम अज कम अपना मुंह खोलना बस। लो भला मैं कैसे बात नहीं करूं? देखो अदा, देखो वो मेरा होने वाला शोर है, ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं अपने होने वाले शोर से बात करूं। ओहो मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा जो मतलब है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। अदा ये तो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो, मैं बूढ़ी हो जाऊं इस घर में। से ज्यादा तो कोई चाहता ही नहीं ना कि तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या मतलब? बच्चों बच्चों आप उसको समझाए ना। अरे बाबा जरीना तुझे क्या हो गया? एक तो तेरी भाभी डॉक्टर से तेरी शादी करा रही है, तू उसी पे शक कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं करती, बस भला मेरी शादी हो जाए। ठीक है लेकिन उसके लिए अपना मुंह बंद रखना, समझी? चलो बाबा चलो। बाबा डॉक्टर नहीं बनना है क्या? बाबा डॉक्टर भी तो बनना है। खालिद भाई इनसे मिलिए, ये मेरे शौहर हैं डॉक्टर बच्चल, प्यार से मैंने बच्चू कहते हैं। क्या हाल है आदा डॉक्टर खालिद साहब? जी अभी तक तो ठीक थे, आप बताएं। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठ के आराम से बात करते हैं। अरे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ये लगता है कहीं जा रहे हैं। आप जाएं, आप जाएं। नहीं ये कहीं जा नहीं रहे, तो अभी आ रहे हैं। अरे आप लोग एक दूसरे को ऐसे देख क्या रहे हैं? बातें कर रहे हैं ना, पूछे कि क्या करते हैं, क्या करेंगे, आप क्या करते हैं ये बताएं, बातें करें। बाबा तुम किस चीज का डॉक्टर है? मैं बेहोशी का। अरे बाबा ये क्या होता है, बेहोशी का भी डॉक्टर होता है क्या? हाँ हाँ होता है होता है, एनेस्थेटिस्ट कहते हैं, ऑपरेशन से पहले जो लोग मरीजों को बेहोश करते हैं ना ये उसके डॉक्टर है। हाँ हाँ वही 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 वाला डॉक्टर। और आप बताएं आप कहाँ होते हैं? अरे बाबा बाड़े में। बाड़े में? इन्होंने ना असल में पैथोलॉजी में जो है पीएचडी किया हुआ है, दो दो पीएचडी हैं इनके। अल्लाह खैर, कोई खास चीज लगती है? बाबा हाँ है तो खास, बहुत खास बहुत खास। अच्छा फिर आप दोनों आराम से बैठ के बातें बातें कीजिए, मैं बस अभी आई। ठीक है बैठो सही बैठो। बाबा तो बाबा ये बताओ कि आप किसी को भी बेहोश कर लेते हो? जी मैं तो बंदा देख कर ही बेहोश कर देता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये देखना पड़ता है कि मरीज की कैसी तबीयत है, कितना ज्यादा बेहोश करना है और कितना बड़ा ऑपरेशन है। बाबा ये तो काफी मुश्किल काम लगता है और खतरनाक भी। खैर आप बताएं। अरे बाबा मैं तो बचपन से भैंसों का डॉक्टर हूँ, भैंस देख कर बता देता हूँ कि आज कितना दूध दे। आप डॉक्टर कम गवाले ज्यादा लग रहे हैं। वाह सही वाह वाह, क्या बात की है सही, वाह 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 वाह, मजा आ गया ये बात सुन के सही, वाह 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 वाह। हाँ पहुंच जाएगा ना? हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी, कोई मसले की बात ही नहीं है। हाँ बाद में बात करता हूँ। गाड़ी में कौन बेहोश पड़ा हुआ यार? अंदर जाके मालूम करता हूँ। भाई अरे बाबा हम तो भैंस को ऐसे टीका लगाते हैं पीछे, भैंस बेहोश हो जाती है, जो करना होता है। डॉक्टर साहब वो आपकी गाड़ी में एक बंदा बेहोश पड़ा है, वो कौन है? अरे बाबा बेहोश करना तो इनका काम है। हाँ हाँ मरीज है मेरा, वो बेहोश करके मैं साथ ही ले आया ताकि लोगों को दिखाना पड़े ना, तो सबूत हो। हाँ लोग सबूत के लिए आईडी कार्ड लेके घूमते, आप मरीज लेके घूम रहे। अरे बाबा तुम छोड़ो उनको, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, जाओ। हाँ मैं बाहर से लाया कुछ, मैं अभी लाता हूँ। जाओ बाबा जाओ जल्दी जाओ। ये जाहिल आदमी है बाबा, इसको क्या पता डॉक्टरी का। सही बात है। हाँ बाबा देखो ये होता है। सामने बैठे आप, मुझे शर्मा दे की एक्टिंग आ रही है। ये कौन है? ये लड़की, वो तो मुझे भी दिख रही है लेकिन है कौन? अरे बाबा ये मेरी बहन है जरीना। अच्छा अच्छा। अब बच्चों अब इनको हम अकेले में बातें कर लेने देते हैं, आप आए हम अंदर चलते हैं, आप लोग बातें करें ना। आए बच्चों। हाँ बाबा हम आता है, तुम बैठो बाबा बातें करो। बहुत 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 बातें करें। आप अमेरिका में कहाँ रहते? मैं वो बुश कॉलोनी। बुश कॉलोनी? हाँ हाँ क्यों नहीं, उससे पहले मैं ओबामा वार्ड 2.5 नंबर में रहता था। ओबामा 2.5 नंबर? अच्छा जी। आप पढ़ी कितना है? मैं तो सारा दिन पढ़ी रहती हूँ।
मुझे कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको कोई काम करने का शौक नहीं है क्या? भला मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मेरे बाबा साईं के बाड़े हैं, सब कुछ तो है भला मेरे पास, मुझे क्या जरूरत है? ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई? जी जी। अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि शादी पक्की? सही भाई, सही बकरे मिल गए, मजा आएगा। वाह भाई, खाना तो बहुत मजे का। जरीना ने बनाया क्या? अरे नहीं बाबा, जरीना। हाँ हाँ, ये सब का सब जरीना ने बनाया है। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ बाबा, खाओ खाओ, खाना खाओ। हाँ बाबा, आपकी खुशी बता रही है कि हम रिश्ता पक्का समझे। मेरी तरफ से तो पक्का है, आप जरीना से पूछ लें। अरे वो तो राजी होगी, आप फिक्र ही ना करें। पर मुझे कुछ भी करने से पहले जरीना से थोड़ी बात करनी है। अरे बाबा क्या बात करनी है, अभी थोड़ी देर पहले तो किया आपने बात जरीना से। अरे वो बातें तो रस्मी थी, मुझे थोड़ी संजीदा बातें करनी है अब। अरे बाबा तो हमसे कर ले, हम काफी संजीदा हैं उससे ज्यादा, और हम उससे बड़े हैं। यार मुझे शादी आपसे थोड़ी करनी है, जिससे शादी कर रहा हूँ उसी से बात करूंगा। अरे ये आपके पीछे छिपकली है, छिपकली। अरे बाबा क्या हो गया? अरे बाबा ये तो बेहोश हो गई, आप डॉक्टर उठाओ ना बाबा इसको। अरे यार मैं तो बेहोश करने वाला डॉक्टर हूँ, होश में लाने वाला थोड़ी हूँ। अरे बाबा मैं कहाँ से देखूँ, ये कोई भैंस है जो मैं इसको देखूँ। भाई क्यों, आप भी तो डॉक्टर हो। अरे बाबा आप देखो, मैं कहाँ से देखूँ। अरे तुम बैठो, तुम इसको देखो, मैं छिपकली को भगाता हूँ। अरे नहीं बाबा, इसको मैं नहीं देख सकता। बाबा उठो। हेलो सीमा। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया भाई, ये बच्चू भाई को क्या हुआ? अरे ये छिपकली देख के बेहोश हो गई, और इनके शोहर इन्हें देख के बेहोश हो गए। अरे भाई क्या हो गया भाई, उठे बच्चू साहब। मीठा खट्टा मीठा। आपने मुझे बुलाया? जी वो मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे पता है आपको मुझसे बात करने का बहाना चाहिए, आपको मुझसे कोई बात बात नहीं करनी है, क्योंकि आप मेरे हुस्न के दीवाने हो गए हैं। हाँ ये बात तो है, खूबसूरत तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। अच्छा जी बोले, क्या बात है? आपके पास जेवर हैं? हाँ हाँ बहुत। और पैसे? अरे पापा वो भी हैं, पर करना क्या है। बस आप वो तैयार रखें, आज ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और शादी कर लेंगे। अरे भला ये भाग कर शादी क्यों? अरे मैं अमेरिका से हूँ ना, तो ये रीति रिवाज वाली शादी मुझे नहीं पसंद। भाग कर शादी करेंगे और फिर उसके बाद सीधा अमेरिका। ठीक है भला मैं तैयार हूँ। पर किसी को बताना नहीं है ये बात। वो क्यों? अरे सरप्राइज देंगे ना। अच्छा ठीक है, घर से भाग कर हम जाएंगे कहाँ? वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। चलें जैसा आप कहें। सब कुछ पास में है ना, पैसा जेवर। अरे हाँ बाबा बार बार बोल रही हूँ, सब कुछ मेरे पास है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कहीं बैंक में ना पड़ा हो। नहीं नहीं नहीं, घर पर ही है मेरे पास। बस आप जाएं और सब एक बैग में जमा कर लें, शाम होने तक हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा सही है, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि दुल्हन बन के चलती हूँ। अच्छा भाई होशियारो, जब तक तुम लोग उठोगे तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ। बेवकूफ लोग, प्लास्टिक की छिपकली से बेहोश हो गई। चलो भाई अब दुल्हन से मिल लेते हैं, बाय बाय। तुम तैयार हो? आप? जी मैं तैयार हूँ, सब कुछ इस बैग में है। अरे वाह, ये मैं तुम्हारे लिए खुशबू लेके आया हूँ, जरा सुन के बताओ कैसी है। सच्ची वाकई मेरे लिए? अरे हमारी शादी की कसम। अच्छा भाई दुल्हन, ख्याल रखना अपना। बाबा ये क्या हुआ था, मैं तो सो गया था। ये क्या हुआ? अरे आखिरी दफा मैंने डॉक्टर खालिद को देखा था। ये
क्या? अरे वो तो मैं हूँ भाई, आप लोगों को किसी ने बेहोशी की दवा सुंघा दी थी, मैंने अभी दूसरी दवाई लगाई तो आप लोग होश में आए। आप डॉक्टर खान ने तुम्हें वो कौन थे? हाँ बाबा वो कौन था? मुझे तो कोई फ्रॉडिया लग रहा है वो। हाँ बाबा मुझे भी लगता है कि वो फ्रॉडिया था, बल्कि मुझे तो ये फ्रॉडिया लगता है। नहीं रुक रुक रुक, वो फोन गिरा। हाँ भेजने कहा था। हाँ हाँ आ गई, ये डॉक्टर खालिद है, ये देखिए। हाँ बाबा ये तो वही है। हाँ भाई और कौन होगा, अरे बाहर गाड़ी में मुझे भी किसी ने बेहोशी की दवाई सुंघा दी थी। अच्छा तो वो आप थे? वो कह रहा था कोई मरीज है। अरे बाबा मेरी बहन सरीना को ढूंढो, वो किधर है? नहीं नहीं रहने दो, वो हो सकता है उसके साथ चली गई हो। मतलब नहीं नहीं ढूंढो, सब सरीना को ढूंढो, चलो चलो बाबा चलो सरीना को ढूंढो, सरीना को ढूंढो, सरीना को ढूंढो, सरीना को मत ढूंढो। अच्छा आओ अरे बाबा आ गई। अरे अरे बाबा ये क्या, वो डॉक्टर खालिद किधर है? अरे बाबा ये रहा तुम्हारे सामने, ये हैं असल वाले डॉक्टर खालिद, वो तो फ्रॉडिया था। क्या? अरे हुआ क्या था, तुम कुछ तो बताओ। अरे बाबा कुछ भी नहीं, वो तो उसने मुझे कहा था कि शादी कर दो, तूने कहा था कहा है वो मुआ? अरे इसका मतलब वो लूट के ले गया, वो आपका सारा सामान लेके फरार हो गया। अला अब मेरे पैसे, मेरे देवर, मेरी शादी, सब कुछ खत्म, मैं तो लुट गई, अब मेरा क्या होगा था? अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी होगी, असली डॉक्टर खाले तो ये हैं, ये तो हैं। ये कौन है? अरे बाबा मेरी बहन है जिससे आपकी शादी होनी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा इसे पकड़ो, बाकी है जानी, पकड़ो पकड़ो जानी, अब भला मेरा क्या होगा? हमारा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, जो मेरा क्या होगा? मैं तमीज और तहजीब भूल जाऊंगा कुछ देर और अगर इनको सिखाया तो। अरे बाबा ये जो कह रहे हैं ना आम से नहीं होता है बाबा, आम जैसा हूँ वैसा ही रहेगा। अरे बाबा ऐसा क्या देख रहा है, कभी जिंदा औरत नहीं देखी क्या? जिंदा तो देखी पर इतनी जिंदा नहीं देखी। मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करना। ए खबरदार मेरी खालाइयों से तमीज से बात करना। ओ इन देहातियों ने मेरे घर को गांव बना दिया, मेरा घर कम गांव ज्यादा लग रहा है। अच्छा है ना, जरा अलग अलग लगेगा इस दफा। ए घोड़ा रे घोड़ा, बड़ा है मारू कुछ जानी के लिए, शर्म कर अपनी जाल को समझा। अरे नहीं खाला, इसका नाम जानी है। सीमा नाम है ये जानी। अरे पापा गुस्से में हो तो लस्सी पियो, सब गुस्सा ठंडा। मुझे नहीं पीनी, बस आप किसी भी तरह सबको यहाँ से हटवाएं। ए बड़ी भी चलो, ये सर्कस बंद करो, चलो निकलो। जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा